और एक बार फिर गेंद बॉल लाइन से बाहर, चार रन। अगली गेंद कदम का इस्तेमाल किया इस गेंद को बैट्समैन ने, शानदार स्ट्रोक खेला है, डांसिंग डाउन द ट्रैक और गेंद बॉल लाइन से बाहर चार रन के लिए। अगली गेंद आखिर की गेंद को बैट्समैन ने शानदार स्ट्रोक खेला, अच्छा स्ट्रोक, इम्प्रोवाइज किया स्ट्रोक को, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे, क्या वो गेंद को रोक पाएंगे? नहीं, वो गेंद को नहीं रोक पाए क्योंकि उनकी चेज वो बेकार साबित हुई। और एक बार फिर गेंद बॉल लाइन से बाहर चली गई है चार रन के लिए। सिर्फ 66 चाहिए। अगली गेंद उल्टा स्ट्राइक किया गेंद को, प्लेस किया गेंद को, बाहर कवर के ऊपर से गेंद को बैट्समैन ने खेल दिया है, फील्डर गेंद के पीछे, क्या वो गेंद को रोक पाएंगे? नहीं, वो गेंद को नहीं रोक पाए और गेंद एक्स्ट्रा कवर बोर्ड लाइन से बाहर चार रन के लिए। इसी के साथ वसीम कासूर के जो 50 रन है वो पूरे हो गए हैं। बड़ी शानदार इनिंग्स खेली वसीम कासूर ने इस मैच में, वक्त लिया क्रीज पर, अब वो बिल्कुल खुलकर स्ट्रोक खेल रहे हैं, चाहिए मैच जीतने के लिए। गेंद कदमों का फिर से इस्तेमाल किया बैटर ने, इस बार गेंद को खेलने में कामयाब रहा लगता है। वही स्ट्रोक खेला, इस बार भी खेलने में कामयाब और गेंद फाइनल गोल लाइन से बाहर चली गई है चार रन के लिए। हम यही चाहते हैं कि अजान की हम रेस्पेक्ट करें, जब भी अजान होती है तो फिर हम अपने माइक्रोफोन ऑफ रखें। इंशाल्लाह अजान और इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी स्कोर करने के ऑन साइड के जा रहे मिडिल के आगे इनको खूबसूरती के साथ और गेंद प्लेयर जाकर गिरी 6 रन के लिए। नेक्स्ट मैचेस के लिए अगली गेंद आर्टम से बाहर ड्राइव किया गेंद को खूबसूरती के साथ, उसी हम पूछेंगे इन्होंने के स्कोर पर, स्कोर जार लेवल, अब अच्छी लीगल गिल कराएंगे। रेड बॉल पर आकर गेंद को बैट्समैन ने ड्राइव किया, वसीम कासूर, ये ब्यूटी, इसी के साथ वसीम कासूर इस टूर्नामेंट के पहले सेंचुरियर बन गए। यहाँ पर जितने भी तमाशाई थे सुल्तान वॉरियर्स के पूरे प्लेयर्स खड़े होकर उन्होंने तालियां बजाकर दिल खोल कर दी वसीम कासूर की। वसीम कासूर ने सजदे में जाकर अपने अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया और इस तरह से सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने ये मैच जीत लिया एक बड़े मार्जिन के साथ।